हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए सर्वाइवर सीरीज में फिर से इस साल मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार्स टकराएंगे स्मैकडाउन लाइव के सुपरस्टार्स से। कुल मिला के 8 मैचेस हो रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में, जिसमें से एक मैच क्रूजर वेट टाइटल के लिए, पर बाकी के 7 मैचेस में रॉ और स्मैकडाउन के बीच मुकाबला होगा और ज्यादा मैचेस जीतने वाला ब्रांड इस साल का सुप्रीम ब्रांड बन जाएगा। आपको बता दूं, 2016 में ब्रांड एक्सटेंशन के बाद लगातार दो बार मंडे नाइट रॉ सर्वाइवर सीरीज में स्मैकडाउन लाइव को हरा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सभी मैचेस के बारे में जो हो रहे हैं सर्वाइवर सीरीज में, और उन मैचेस में हम जानेंगे कि किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के। और मैं आपको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज मंडे की सुबह 3:30 बजे से शुरू होगा और 3:30 बजे पहले इसका किक ऑफ शो देगा, जिसमें 10-on-10 टैग टीम एलिमिनेशन मैच आपको देखने मिलेगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। सबसे पहले शुरू करते हैं ऐसे मैच से जो सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में देगा, 5-on-5 मेंस एलिमिनेशन मैच। अगर रॉ की टीम पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दो सुपरस्टार्स ऐसे नजर आएंगे जिसे WWE वाले बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। वो दो सुपरस्टार्स हैं ड्रू मैकएंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन। ड्रू मैकएंटायर जब से रॉ में आए हैं उनका अब तक एक बार भी पिन नहीं हुआ है, और ब्रॉन स्ट्रोमन अभी रॉ के सबसे बड़े बेबी फेस हैं, इसलिए इन दोनों को इस मैच में एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ड्रू मैकएंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन की पहले से दुश्मनी चल रही है। तो अगर आपस में ये दोनों लड़ के एलिमिनेट हो जाएं, तब स्मैकडाउन की टीम जीत सकती है, वरना इस मैच में ज्यादा चांसेस है कि रॉ की मेंस टीम हरा देगी स्मैकडाउन की मेंस टीम को। अब बात करते हैं ब्रॉक लेसनर वर्सेस डैनियल ब्रायन के मैच के बारे में। स्मैकडाउन लाइव में डैनियल ब्रायन हील टर्न हो गए और वो बन गए WWE चैंपियन, और इसलिए अब पहली बार वो टकराने जा रहे हैं यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा ये, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार्स हील हैं, पर ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये मैच ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को जनवरी में UFC फाइट के लिए जाना है, तो वो WWE में इंजर्ड होने का रिस्क नहीं लेंगे। चलिए देखते हैं कि WWE वाले कैसे बुक करते हैं इस मैच को, पर इस मैच में ब्रॉक लेसनर के ही ज्यादा चांसेस है जीतने के। चलिए अब ध्यान देते हैं 5-on-5 वुमेन्स एलिमिनेशन मैच पर। रॉ की वुमेन्स टीम पूरी हो चुकी है, पर जैसा आप देख सकते हैं कि स्मैकडाउन की वुमेन्स टीम पूरी नहीं हुई है। स्मैकडाउन की वुमेन्स टीम में अब भी एक सुपरस्टार की जगह खाली है, जिसके बारे में हमें सर्वाइवर सीरीज के दिन ही पता चलेगा। मेरे हिसाब से इस मैच में स्मैकडाउन की वुमेन्स टीम हरा देगी रॉ की वुमेन्स टीम को। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सेथ रॉलिंग्स वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन शिंसुके नाकामुरा। इस मैच में शिंसुके नाकामुरा के ज्यादा चांसेस है जीतने के, क्योंकि डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंग्स की दुश्मनी चल रही है, इसलिए ऐसा सुनने में आ रहा है कि डीन एम्ब्रोस इस मैच में इंटरफेयर करके सेथ रॉलिंग्स को हरवा देंगे, और इससे क्या होगा कि डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंग्स की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ जाएगी। रॉ वुमेन्स चैंपियन रोंडा रॉजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर। पहले इस मैच में बेकी लिंच फाइट करने वाली थी रोंडा रॉजी से, पर रॉ में बेकी लिंच इंजर्ड हो गई और स्मैकडाउन लाइव में बेकी लिंच ने अपनी जगह शार्लेट फ्लेयर को चांस दिया रोंडा रॉजी से फाइट करने का। रोंडा रॉजी वर्सेस शार्लेट फ्लेयर WWE वाले रेसलमेनिया 35 में करवाना चाहते थे, पर बेकी लिंच के इंजर्ड हो जाने की वजह से WWE को सर्वाइवर सीरीज में ये मैच करवाना पड़ा। ये मैच बहुत ही जबरदस्त होगा और शार्लेट फ्लेयर अगर जीत गई तो बहुत ही शॉकिंग जीत होगी उनकी, पर इस मैच में ज्यादा चांसेस है कि रोंडा रॉजी ही जीते। अब दो मैच और बच गए, जिसमें से एक है टैग टीम चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच। रॉ के न्यू टैग टीम चैंपियन ऑथर्स ऑफ पेन फेस करेंगे स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन द बार को। मेरे हिसाब से इस मैच में द बार जीत जाएंगे, और दूसरा मैच किक ऑफ शो में 3:30 बजे मंडे 19 नवंबर को देगा 10-on-10 टैग टीम एलिमिनेशन मैच। इस मैच में भी स्मैकडाउन की टीम के ज्यादा चांसेस है जीतने के। तो ओवरऑल रॉ 4 मैचेस जीतेंगे और स्मैकडाउन 3। इसका मतलब इस साल भी सर्वाइवर सीरीज में रॉ बन जाएगा सुप्रीम ब्रांड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।